हम लोग मंजिल के करीब थे पर पीछे। सो फाइनली गाइस, हमारे पास कुछ अच्छे KYD के हेलमेट्स इधर आ चुके हैं, और सबसे यूनिक, सबसे मतलब ये चीज हेलमेट। थैंक यू। अहमदाबाद में 2 या 3 शॉप है, पर मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ चिंतन भाई के पास, क्योंकि पहले से हमारा बॉन्ड ही ऐसा है। मैं जितनी भी बार, मेरे पास R15 से लेके R1 तक का जो भी मतलब मैंने भी गियर लिया, इनके पास से लिया है। और एक ये कार्बन फाइबर, इतना निम्बर और इतना अच्छा लग रहा है ना, इसका मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज आप लोगों को पता है अपनी बाइक का कलर वाइट है, राइट? और बाइक का कंडीशन अभी भी वैसा ही है, देख रहे हो गाइस, पूरा ऑयल वगैरह। अब लिमिटेड एडिशन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है, आप लोगों को लुक बताता हूँ मैं। सो हेलो द गाइज, वेलकम बैक टू आई चैनल। हियर आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू ब्लॉग। सो आप लोग ने पिछला वीडियो देखा नहीं, देखा जाके देखो, देखना पड़ेगा गाइज। सो पिछले वीडियो में ऐसा था कि मैं लेने निकला था हेलमेट, बट शॉप बंद हो गया था, राइट? तो अभी फाइनली चिंतन भाई का कॉल आया और हम लोग जा रहे हैं हेलमेट के लिए। और मुझे एक दो कमेंट्स तो आए हैं BBT के लिए, BBT मैं ज़रूर जाऊँगा, करते हैं। सो अभी जाते हैं हेलमेट लेने के लिए, बताता हूँ मैं आप लोग को हेलमेट इतना तो क्या है, ओ माय गॉड। ठीक है, अभी चलते हैं बाइक पे, और मेरी बाइक की कंडीशन तो ख़राब हो चुकी है, मतलब वो मैं बताता हूँ आप लोग को। तो वो मैं मेरी बाइक पे नहीं जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, उसको कुछ काम है चिंतन भाई के वहाँ पे, एमरोडिस में से कुछ लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना हेमलेट बोलेंगे जीठा लाल की तरह, ठीक है? तो हेमलेट के लिए जाते, फिर आपको रास्ते में मिलते हैं, ठीक है गाइस? गाइस, हियर इज़ आवर बाइक, और बाइक का कंडीशन अभी भी वैसा ही है, देख रहे हो गाइस, पूरा ऑयल वगैरह, ये रहा ऑयल, और ये हनी भी, अरे नहीं, ये हमारा ऑयल पड़ा है, ऑयल सील पूरा ब्रेक, क्या कर सकते। और रात को एक अपडेट हुआ हमारे यहाँ पे, जिससे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। नया रोड बना है, और रोड पूरा मतलब देख रहे हो, ये एक फ्लोर अप हो गया है। देखते अभी क्या है, क्योंकि अपना तो वो स्टैंड से उतार देते हैं, अब स्टैंड का तो कुछ काम है किस तरीके से पता नहीं, अब शायद स्टैंड कटवाना पड़ेगा, या तो इसको कुछ मॉडिफिकेशन करवाते। ये पूरा नीचे इतना गैप तो पूरा फील हो गया है, देखो क्या करें अभी, इसका कुछ समझ नहीं आएगा, अभी इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अभी चलते पहले हेलमेट के लिए, फिर बात करते। सो वी आर ऑन द रोड फाइनली, और हम लोग हेलमेट के लिए निकल चुके हैं। देखते हैं मतलब किस तरीके का रहता है, कैसे रहता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अब उतना प्राइस क्यों है, और अगर वो हेलमेट नहीं भी हुआ तो दूसरा एक और है, मतलब एक्सपेंसिव हेलमेट है, मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है? और एक और एक गाइस, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा, ये देखो स्क्रीनशॉट देख रहे हो गाइस, क्यों ऐसा कर रहे हो, नॉन सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्राइब, इतने नॉन सब्सक्राइब लोग हमारे वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, फ्री है गाइस, ठीक है? और लोगों ने कमेंट किया BBT के वीडियो बनाने, ये करना है, ठीक है, मिल जाएंगे आपको BBT के वीडियो, स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब करके रखो, सुपर कार्स आपको देखने वाली है, ठीक है, सुपर बाइक्स के साथ सुपर कार्स भी दिखेगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब करके रखो, जाते हैं एमरोडिस, और फिर आप लोग को मैं मिलता हूँ। हम लोग मंजिल के करीब थे, पर पीछे हम लोग खुदाई JCB की खुदाई, बीच में बहुत ट्रेन चला था, आप लोग ने बहुत मतलब चलाया था JCB की खुदाई, क्या ही पता क्या था उसको, देख लो। अब जाना पड़ेगा हमको रॉन्ग साइड में, अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पे पिछली बार जो गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था ना बॉस, ओह माय गॉड। सो फाइनली वी आर हियर एट प्रहलाद नगर, और एमरोडिस बस आ गया लेफ्ट। सो फाइनली वी आर हियर एट एमरोडिस, और चिंतन भाई की एरोक्स एमरोडिस में हम लोग आ चुके हैं। चिंतन भाई बैठे ही है नीचे, कैसे हो, सब बढ़िया? सो फाइनली बहुत दिनों के बाद चिंतन भाई के पास फिर से आना पड़ा, क्योंकि चिंतन भाई के पास ऐसा स्टॉक आया जो किसी के पास नहीं आया, राइट? पीछे आप लोगों को दिख ही गया होगा। सो अभी चिंतन भाई से बात करते, फिर आप लोगों को भी बता दें। सो फाइनली गाइस, हमारे पास कुछ अच्छे KYD के हेलमेट्स इधर आ चुके हैं, और सबसे यूनिक, सबसे मतलब ये चीज़ है, देखो लिमिटेड एडिशन KYD का,
मोटो जीपी में ये मतलब ये हेलमेट से मतलब क्या बोलते हैं यूज़ हुआ था मोटो 3 में, और देख रहे हो 2019 मोटो 3 में ये यूज़ हुआ था लोरेंजो डेला पोर्टा का, और ये पूरा कार्बन फाइबर है और मोटो जीपी से पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, देख रहे हो। और एक और कार्बन फाइबर हमारे पास ये है, और इसकी प्राइस क्या बताया चिंतन भाई आपने, 44,500 है ये प्राइस, मतलब मोटो 3 2019 का बिल्कुल लिमिटेड एडिशन, और पूरे गुजरात में चिंतन भाई के पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल रहा है। और एक ये कार्बन फाइबर इतना निम्बर और इतना अच्छा लग रहा है ना, इसका मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज आप लोगों को पता है अपनी बाइक का कलर वाइट है, राइट? सो मे बी ये अपने पे मतलब ज़्यादा वो रहेगा। बाकी कुछ हेलमेट्स KYT के है, और KYT के हेलमेट्स अभी बहुत मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं बिकॉज इसका जो पैडिंग वगैरह होता है इसका, मतलब H2 पे बंदा KYT पहन के H2 पे जा रहा है 300+ कर रहा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा, बिल्कुल हेलमेट नहीं हिलता है, समझ रहे हो गाइस? KYT इतना मतलब अच्छा जा रहा है अभी। सो दो तीन वर्जन है, एक ये है, एक वो है, एक वो है, और सारे प्राइसेस अलग अलग है। चिंतन भाई प्राइसेस बता दो इनके। देखिए गाइस पूरा कार्बन फाइबर है। सो अब लिमिटेड एडिशन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है, आप लोगों को लुक बताता हूँ मैं। ये थोड़ा मतलब मेरे शायद सर से बड़ा है, कितना साइज इसका है? लार्ज है ना? ओके लार्ज है, इसलिए मुझे इतना फिट नहीं आ रहा है, बट फिर भी एम साइज का अगर आएगा ना बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट अब इसका लुक देखिए गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हो गाइस? ऊपर इसका लुक ये देख रहे हो, ये हेलमेट बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगा था कि ये हेलमेट लिमिटेड एडिशन ऑलमोस्ट 1,00,000 के आसपास होगा, पर अच्छा है 48,000 का है, तो इट्स 44,000 है ना, 44,500 अप्रोक्स समझो, मे बी आ तो उससे भी डिस्काउंट अगर मिल जाए चिंतन भाई अगर दे दे तो अच्छी बात है, देखते हैं। और फिर एक और कार्बन पीस है अपने पास, बहुत सही लग रहा है मेरे को, मतलब अच्छा लगा इसका पैडिंग वगैरह सब, बहुत हल्का हेलमेट है सीरियसली, बहुत हल्का कार्बन फाइबर इतना हल्का पार्ट होता है ना, लाइक हमको लगी मेरे को लिटरली, मैं जो हेलमेट पहनता हूँ ना वो MT का हमर है ना, MT हमर में पहनता हूँ, उसमें भी कैमरा सब वो सब माउंट है ना, इतना हैवी लगता है ना ये, बहुत निम्बल बहुत हल्का लग रहा है, लिटरली लग ही नहीं रहा कि मैंने हेलमेट पहना, अभी कैमरा लगेगा तो थोड़ा वेट बढ़ेगा, तो बिल्कुल कुछ नहीं। कितना वेट है इसका? 1300 ग्राम, दैट्स इट, ओ माय गॉड। और मेरा हमर का कितना वेट है? 1450 के आसपास, मतलब 200 से 250 ग्राम समझो के कम हो गया, 200 ग्राम ऑलमोस्ट मतलब कम हो गया, मतलब काफी अच्छा है, लाइक राइडर्स के लिए तो जितना वेट कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझ लो ना ये 38,500 राइट। ओके NFR KYT का, ये राजीव सेतु रेप्लिका है, इंडियन जो मोटो जीपी राइडर है राजीव सेतु का रेप्लिका है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ राजीव सेतु, राइट, वाओ उसका पूरा रेप्लिका बनाया कि ये भी मतलब उसका मोटो जीपी रेप्लिका, जितने भी हेलमेट है सारे मोटो जीपी इंस्पायर्ड है, सारे मोटो जीपी रेप्लिका सारे, और हेलमेट बहुत प्यारे है, लाइक ऑब्वियसली मोटो जीपी से इंस्पायर, मतलब अभी ग्राफिक्स बहुत अच्छा लग रहा है, देखिएगा अरे वाह क्या बात है, सही है, देख रहे हो नया बाइक आ रहा है उसके लिए नए ऑप्शन है, और इन सब में से या तो और भी कलेक्शन आएंगे उनमें से हम कुछ लेके जरूर जाएंगे, है कि नहीं चिंतन भाई? ठीक है, और नया बाइक आएगा तो नया राइडिंग गियर भी बनता ही है, क्या बोलते हो? 100% तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब करके रखो, नया बाइक आएगा नई चीज़ें आएगी जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। उन लोगों के बनवा रहे हैं 15,000 रुपीज, राइट, ये KYT NFR, ओके लोपो
लोपो डिजाइन राइट निसान रेप्लिका है। ओह वाओ, ये भी है। इसका पीछे का लुक देखो गाइस, सीरीज रेमिनी मिसानो, वाओ रेमिनी मिसानो एग्जैक्टली। ये मतलब मैं स्टोर में घुसा, मैंने ये देखा, मतलब क्या है, क्योंकि इसका डिजाइन जिस तरीके से है ना, मैंने देखा शायद ये लाइट्स वाला तो नहीं है ना, मेरे को ऐसा लग रहा था। एक ये वाला हेलमेट है, ये जो मुझे शॉप में घुसते के साथ ही मतलब यूनिकनेस जिसका लगा था ना उसका डिजाइन की वजह से, इसका डिजाइन देखिए, एग्जैक्टली मतलब बहुत सारी चीज, मतलब ऐसी चीजों में सब कलर्स ग्राफिक्स इतने सारे और इनके पास कलेक्शन ऐसे ऐसे, मैं लिटरली मैं भी पहली बार आया था तो काफी कंफ्यूज हो गया था। और मे बी ये वाले शूज मैं यूज करता हूँ, राइट, ये वाले शूज मैं यूज करता हूँ। ओके, सो देख रहे हो काफी कुछ कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। और अहमदाबाद में दो या तीन शॉप है, पर मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ चिंतन भाई के पास, क्योंकि पहले से हमारा बॉन्ड ही ऐसा है। मैं जितनी भी बार, मेरे पास R15 से लेकर R1 तक का जो भी मतलब मैंने भी गियर लिया इनके पास से लिया है। This is worth 14,000 रुपीस का है ये। और वन मोर वी हैव सीरीज, ये कलर अच्छा लग रहा है। सो गाइस एक ये वाला हेलमेट है, ये कितना 8,000 रुपीज़ का है, साढ़े आठ 8,500 रुपीज़ का है। देख रहे हो मतलब सभी टाइप के हैं, 30-40,000 तक के भी और 8,000 के भी, under 10,000 भी मिल जाएगा आपको, under 10,000 और 40,000 तक का भी, जितने भाई के पास सभी स्टॉक पड़ा, बहुत सारी चीज़ें इनके पास। देखो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, स्पेशली लिमिटेड एडिशन जो पीस है उसका। क्या मेरे को ये ज़्यादा मतलब वो कर रहा है, बिकॉज आप लोग को बताया मैंने बाइक के हिसाब से, वो तो है ही, वो कुछ लेंगे क्योंकि अपनी बाइक दूसरी आ रही है, आप लोग को बताया ना मैंने, जल्दी से कराओ सब्सक्राइब, बढ़ाओ, अपनी दूसरी बाइक आ रही है, वो भी लिमिटेड एडिशन, पूरे इंडिया में इकलौती जल्दी आएगी। Rolling, I like it like this. Not rocket science, cause I'm a wizard. It's fire, fire, fires up the galaxy up in this. I'll be rolling, like it like this. Not rocket science, cause I'm a wizard. Fire. On the night out, I'm on the high cloud. Yeah, shooting stars at the crowd. फाइनली चिंतन भाई, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा स्टॉक है इनके पास, आपका नंबर और एड्रेस भी शो कर देता हूँ, आप लोग विजिट करो अगर अहमदाबाद से हो तो, श्योरली गुजरात में भी कहीं भी हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना चिंतन भाई, मिल जाएगा ना, ठीक है। तो बस अभी सब डिलीवर, मैक्सिमम मतलब पूरा इंडिया में मिल जाएगा, और गुजरात में तो इकलौता ही KYD का स्टोर है एमरोडीज, तो फिर आपको कांटेक्ट बनता है अगर इफ़ यू वांट, और आपको ऐसे क्वालिटी के हेलमेट्स चाहिए तो, राइट। अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे का जो भी है मैं आपको बताता हूँ, चलो चिंतन भाई टेक केयर। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं एमरोडीज में से, मुझे प्लीज़ आप लोग बताना कि कौन सा हेलमेट मैं लूँ, मेरे को हेलमेट लेना है, अच्छा वाला एक हेलमेट लेना है, तो कौन सा हेलमेट मैं लूँ मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोग को जो भी ऑप्शन दिखा उसमें से बताओ, ठीक है। मे भी मैंने आप लोग को बताया कि वाइट वाला, ठीक है वाइट वाला अच्छा है और लिमिटेड एडिशन भी अच्छा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं प्राइसेस में, राइट, लाइक 5-6,000 का डिफरेंस है, ऐसे हेलमेट के प्राइस के हिसाब से देखने जाओ तो 5-6,000 नॉट मच। जो भी है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अभी हम लोग जा रहे हैं, अगर कुछ अच्छा मतलब है तो ठीक है, आपको मिलते हैं रास्ते में, और एल्स सीधा घर के पास। सो फाइनली हम लोग जाके आए, देख के आए, बहुत सारे मतलब आप लोग ने देखा, बहुत सारे अपने पास ऑप्शन है, राइट, बहुत अलग अलग वैरायटी थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। कार्बन का मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हल्का था, ये मेरा MT का जो हेलमेट है बहुत हैवी वेट है, और वो इतना हल्का था कि क्या बताऊँ, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था, हल्का और एकदम निम्बल, और लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ पहना है, हाँ सिर्फ साइड से ये थोड़ा जो स्पंज होता है वो दबता है, दैट्स इट, बाकी इतना हल्का लग रहा था ना, ओ माय गॉड। आप लोग को अगर लेना हो तो आप लोग को पहले देखा है, आप लोग ने कॉन्टैक्ट करो, ले लो, मैं तो लेने वाला हूँ पक्का। अपनी नई बाइक आ रही 5K सब्सक्राइबर, जल्दी से कंप्लीट करो 5K पे, धमाका, इंडिया की ओनली वन, समझ लो किसी के पास नहीं है।
रोड लीगल करवाना है उसको, दैट सेट, बाकी सब हो गया है। समझ रहे गाइस, ट्रैक लीगल बाइक है, उसको रोड लीगल करवाना है, बाकी अपने पास बाइक है, ठीक है। 5K कंप्लीट करो जल्दी जल्दी से और बाइक के मजे देखो। अभी दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी रीजन से वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।